राजू श्रीवास तो एक महीने से एम्स में भर्ती हैं। अभी तक राजू को एक बार भी होश नहीं आया है। परिजनों ने उनकी आंखें खोलने का दावा किया है, लेकिन डॉक्टर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इस एक महीने में दूसरी बार उनकी तबीयत बिगड़ी है और तेजी से सुधार भी हुआ है। राजू को 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद दिल्ली के एम्स में उन्हें एडमिट कराया गया था। राजू के भाई काजू ने बताया है कि ऑक्सीजन सपोर्ट अब बेहद कम रह गया है। करीब 5 दिन पहले बुखार आने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया था। राजू के मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना के मुताबिक राजू की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इस वजह से समय लग रहा है। वहीं दूसरी ओर उनके भाई ने बताया कि राजू की बेटी अंतरा उन्हें देखने के लिए आईसीयू में गई थी। बेटी ने पापा से कहा कि कब तक यूं पड़े रहोगे, आंखें खोलो पापा। ये सुनने के बाद उनकी आंखों में हरकत हुई थी, लेकिन डॉक्टर इसे नहीं मान रहे हैं। बेटी ने अपने परिजनों को इसकी सूचना भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।